जनपद हापुड़ के सिटी कोतवाली क्षेत्र में अज्ञात युवक ने एक ई रिक्शा चालक को चाय व पानी में नशीला पदार्थ खिलाकर उसका ई रिक्शा में मोबाइल लूट लिया। बता दें कि मोहल्ला चमरी निवासी मोनू ने थाना नगर कोतवाली में तहरीर देकर कहा कि उसका भाई विवेक 17 नवंबर को दोपहर के करीब 2 बजे वह तहसील चौक पर सवारियों का इंतजार कर रहा था। तभी वहां एक युवक आया, उसने उसे सबली गेट छोड़ने की बात कही। इस पर उसने किराया तय कर उस अज्ञात युवक को लेकर सबली गेट पहुंचा, तो उस युवक ने विवेक को तरल पदार्थ में कुछ नशीला पदार्थ खिलाकर बेहोश कर दिया, जिसके बाद थोड़ा दूर चल उससे ई रिक्शा छीनकर मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हालांकि पुलिस तहरीर रिसीव कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर कार्रवाई कर रही है। क्या नाम है आपको? मोनू गौतम। अच्छा, क्या हुआ है यहाँ पर? चोरी की जो घटना बताई जा रही, क्या मामला है? कल की घटना ये थी कि मेरे भाई का मेरे पास फ़ोन आया अनजान नंबर से। अच्छा। कि मैं यहाँ पड़ा हूँ, तो उसने ये नहीं बताया कि मयूरी छीन ली। हाँ। फिर मैंने थोड़ी देर बाद दोबारा फ़ोन करा तो उस व्यक्ति ने बताया कि इसकी ये बता रहा है कि मेरी मयूरी छीन ली गई है और मोबाइल भी। अच्छा, तुम्हें कैसे पता लगी उसकी मयूरी छीन ली गई? जब हमें मयूरी नहीं मिली तो मयूरी छीन ही ली। कहाँ पर छीन ली? सेंसरी के गेट नंबर 1 पर। तो इसकी सूचना दी पुलिस को आपने? पुलिस को सूचना हम थाने गए थे, चौकी भी गए थे, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं है। कोई कार्रवाई? कल का मामला है ये, हमारे पास फोन 2 बजे पहुंचा था। आज के 2 बजे? कल के? कल 2 बजे बुधवार में। हाँ, बुधवार। क्या नाम है आपको? संजय शर्मा। तो क्या हुआ था यहाँ पे जो चोरी की घटना? कल सेंचुरी के सामने एक लज्जापुरी के लड़के की मयूरी छीन के नशा पदार्थ करके उसके साथ मयूरी छीन के ले गए हैं। अच्छा, नशा कैसे कराया तो? नशा कोई पानी के द्वारा करा गया है या चाय के द्वारा करा गया है। अच्छा, दो तरीके से कह सकते हैं हम कि उसको नशा कराया गया है। तो उसे पानी भी पिलाया गया जो वीडियो में आ रहा है। हाँ। और उसे चाय भी पिलाई गई है और उसकी चाल ढाल भी थोड़ी दिक्कत आ गई है उससे। फिर मयूरी छीन के उससे अज्ञात रूप में पहचान में अभी लड़के आ नहीं रहे हैं। वैसे हमने उनकी फोटेज निकलवा ली है। अच्छा, तो उन्हें तो हमने पुलिस के द्वारा कुछ कार्रवाई की? पुलिस की आपने कुछ सूची दी? अभी पुलिस के द्वारा हमने एक तहरीर थाने में दी थी और हम आज साथ सोच रहे हैं कि आज हम कोतवाली में एक तहरीर दें, तो हम वो कार्रवाई आज करेंगे।